नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं धोखा। आईएएस बनकर तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के में आने वाले जम्मू कश्मीर के शाह फैसल अब फिर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में वापसी कर। भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको एक सपना दिखाया जाता है, सिविल सर्विस ज्वाइन करने का सपना। आईएएस ये वर्ड सुनते ही आपकी आंखें उम्मीदों से भर जाती है। आपको ये बताया जाता है कि आईएएस बनने के बाद आपके पास पावर, पैसा और इज्जत सब कुछ होगा। आपको शादी में अपने मन पसंद की लड़की मिलेगी और इस समाज में आपकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। लेकिन इन सब के बदले आपको बस अपने जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स देने होंगे। एक गरीब मिडिल क्लास का बच्चा इन्हीं सपनों को लेकर पहुँचता है न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहां आपको चाय के ठेले वाले कम और बुक स्टोर ज्यादा देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहां एक छोटा सा कमरा किराए पे लेकर शुरू करता है अपनी आईएएस बनने का सपना। कई एस्पिरेंट्स के लिए ये सपना उनके पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना है, तो किसी के लिए पैसा कमाना या सोसाइटी में चेंज लाना। इसके बाद एस्पिरेंट्स अपने पूरे एफर्ट लगाकर मेहनत से पढ़ाई करने लग जाता है, सुबह का हिंदू और फिर कोचिंग और कोचिंग से आकर रिवीजन, और कम से कम 6 सालों तक ये करने का कमिटमेंट दे देता है खुद को, जब तक कि एग्जाम क्लियर ना हो जाए या अटेम्प्ट्स खत्म ना हो जाए। एक एस्पिरेंट्स को सपना दिखाया जाता है तैयारी से लेकर आईएएस आईपीएस बनने तक का सपना। लेकिन यूपीएससी एग्जाम में फेलियर की कोई बात ही नहीं करता, कोई नहीं बताता कि अगर 6 अटेम्प्ट के बाद भी सक्सेस नहीं मिली तो एस्पिरेंट्स क्या करेगा या कहां जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको यूपीएससी का एक ऐसा डार्क साइड और कड़वा सच दिखाने वाला हूं, जो शायद आपको यूपीएससी के पूरे प्रोसेस और एग्जाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। इस सिविल सर्विस एग्जाम में हर साल लगभग लाखों स्टूडेंट अपना सपना लेकर एग्जाम देने बैठते हैं, जिसमें से 10,000 एस्पिरेंट्स इस एग्जाम्स के मेन के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर हम 2021 के डेटा को देखें तो उस साल 11 लाख कैंडिडेट ने यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 1823 कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाए और 761 कैंडिडेट का ही फाइनल सिलेक्शन हो पाया। यूपीएससी में एक एस्पिरेंट की सक्सेस रेट 0.2% होती है, यानी कि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस सिर्फ 0.2% होते हैं। वन एन एवरेज एस्पिरेंट्स को 3 से 4 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और ऐसा भी नहीं कि 3 से 4 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। कई एस्पिरेंट्स के लिए अटेम्प्ट खत्म होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन कोई उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता जो अपना 100% देने के बाद भी फेल हो जाते हैं। एग्जाम्स कितने यंग स्टूडेंट का सालों खा जाता है तो कितनों की जवानी खा जाता है, और इसके बाद इसका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। 28 साल के एक एस्पिरेंट्स वरुण सुभाष चंद्र ने अपनी जान दे दी क्योंकि वह अपना एग्जामिनेशन सेंटर 4 मिनट लेट से पहुंचा, जिसके कारण उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद ये अपने कमरे में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे ही एक नागपुर के रहने वाले ब्लेसन फुटो चाको ने सुसाइड कर लिया क्योंकि ये 2 साल दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी वो ये एग्जाम क्लियर करने में फेल हो गया। जब मीडिया वालों ने यूपीएससी टॉपर ओमकार मधुकर पवार से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या मजबूरियां होती है एक एस्पिरेंट्स की, तो उन्होंने बताया कि उनका खुद का सपना पूरा हुआ है 6 अटेम्प्ट के बाद, और उन्होंने बताया ज्यादातर एस्पिरेंट्स का कोई बैकअप प्लान ही नहीं होता है, वो लाइफ में क्या करियर चूज करेंगे। आपको फेल होने के बाद भी एक पॉलिसी तैयार रखनी चाहिए, जो चाहे वो स्टार्टअप करने का प्लान हो या फिर एमबीए करने का, आपके पास बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक एस्पिरेंट्स अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट 3 ईयर्स खो देता है इस एग्जाम की तैयारी करते करते, यही नहीं बल्कि आसपास का सोशल इंटरेक्शन भी एकदम डेड हो जाता है। 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, कोई सोशल लाइफ ना होना, वो भी एक ऐसे एग्जाम्स के लिए जिसमें 99% चांसेस फेलियर के ही है। इसलिए आप ट्राई करो कि आपका एक सॉलिड बैकअप प्लान भी हो। आपको अपनी जिंदगी को एक एग्जाम के सराउंडिंग नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक एग्जाम से कहीं ज्यादा बड़ी एवं वैल्यूएबल है। साल 2017 में दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर ALS ने क्लेम किया कि 990 सिलेक्टेड कैंडिडेट में से 244 कैंडिडेट्स ALS से थे। वहीं वाजिराव एक पॉपुलर कोचिंग ने क्लेम किया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट में से 400 स्टूडेंट उनके कोचिंग सेंटर से हैं, और वहीं दूसरी ओर चाणक्य नाम की एकेडमी ने क्लेम किया कि 355 कैंडिडेट उनके कोचिंग से सिलेक्ट हुए। ये नंबर तो कुछ मैच नहीं खाते। दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट एक एस्पिरेंट से 1.5 से 2.5 लाख तक की फीस लेते हैं, और कई कोचिंग्स मेंस ऑप्शनल के लिए अलग से 10,000 से 50,000
तक लेते हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री 3,000 करोड़ की हो चुकी है और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। प्रॉफिट बनाने का यह डर्टी गेम इतना बुरा हो चुका है कि अलग अलग कोचिंग सेंटर सेम स्टूडेंट का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जबकि उस स्टूडेंट को खुद पता नहीं होता कि वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी गए भी हैं। बहुत से एस्पिरेंट को लगता है कि एक बार IAS या IPS बन जाएं तो वो सोसाइटी में बहुत कुछ चेंज कर देंगे और करप्शन मिटा देंगे, लेकिन सच्चाई इसके काफी अपोजिट है। एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर अशोक खेमका को 29 ईयर की नौकरी में 54 टाइम्स ट्रांसफर किया गया, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी भी हाल में करप्शन टॉलरेंस नहीं करते। वो इलीगल काम करने को बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना कर देते हैं, तो इस ऑनेस्टी की सजा उनको हमेशा मिलती आई है। झारखंड में नरेगा स्कैम में पकड़ी गई IAS ऑफिसर पूजा सिंगल की प्रॉपर्टी 42 करोड़ से ऊपर की बताई गई है। ED के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पैसा ही कमाना है तो एंटरप्रेन्योर बनकर कमा सकते हैं, नहीं तो एक सोशल सर्विस वाली जॉब करो और फिर वहाँ पे करप्शन करो। यही नहीं, एक IAS ऑफिसर को सैलरी के नाम पर सिर्फ 56,000 पर मंथ से लेकर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं, लेकिन 2.5 लाख की सैलरी के लिए IAS को कैबिनेट सेक्रेटरी बनना पड़ता है। इसमें कम से कम 30 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होती है। IAS एक जॉब नहीं सोशल सर्विस है। अगर आपका गोल समाज सेवा है तो एक लिमिट में जरूर इस जॉब को बहुत इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, वो भी एक बैकअप प्लान के साथ। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।